हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पढ़ते रहो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं जेके बोस के जो रेगुलर एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 2024 में। तो दोस्तों, उसमें जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हैं, जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स होंगे आपके, वो दोस्तों कब होंगे? एग्ज़ाम्स नॉर्मल रेगुलर एग्ज़ाम से पहले होंगे या फिर रेगुलर एग्ज़ाम्स के बाद में होंगे, होंगे भी या नहीं होंगे, ये काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स हैं जो बच्चे पूछ रहे हैं। तो दोस्तों, डिटेल में सारी की सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही आपको अपडेट्स जेके बोस के रिलेटेड हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। सबसे पहले दोस्तों बात करें कि ये एग्ज़ाम्स जो आपके एक्सटर्नल प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम्स हैं, होंगे या नहीं होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको क्लियरली कह लूँ, चाहे आप क्लास टेंथ के हों, चाहे इलेवंथ के हों, चाहे ट्वेल्थ के हों, आपके जो प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम्स हैं दोस्तों, वो 100% होंगे ही होंगे। अब बात आती है दोस्तों कि जो आपके एग्ज़ाम्स हैं, वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स आपके होंगे कब? तो दोस्तों, जो आपके रेगुलर एग्ज़ाम्स की डेटशीट आपके पास आई है, चाहे वो टेंथ की है, चाहे इलेवंथ की है, आप चाहे ट्वेल्थ के बच्चे हैं आप, तो दोस्तों जैसे ही आपके रेगुलर के एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद ही आपके प्रैक्टिकल के जो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम्स हैं वो होंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपने अपनी डेट शीट्स में भी लिखा हुआ देखा होगा कि जो आपके प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम्स की जो डेट शीट है वो सेपरेटली आएगी। तो दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम होंगे, ये जो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम्स, ये आपके थ्योरी के एग्ज़ाम्स के बाद में ही होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये डाउट अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए कि एग्ज़ाम नहीं होने वाले, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर, सुनने में आ रहा है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होंगे कि नहीं होंगे। बिल्कुल होंगे, और दोस्तों आपके ये जो एग्ज़ाम्स हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स, ये होंगे थ्योरी के एग्ज़ाम्स के बाहर। और जो टीचर्स आएंगे दोस्तों आपके एक्सटर्नल प्रैक्टिकल लेने के लिए, वो भी दोस्तों बाहर से ही आएंगे। चाहे आपके एक्सटर्नल प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम का जो सेंटर है वो किसी और में, स्कूल में बने या कहीं भी बने, जो टीचर्स होंगे वो भी एक्सटर्नल होंगे, और वो आपके थ्योरी के एग्ज़ाम्स के बाद ही आपके प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम्स होंगे एक्सटर्नल। ठीक है दोस्तों, बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।